ये वही सब में f x plus h minus f of x divided by h, ये क्वेश्चन दिया जहां पे आपको क्या बोला है f x is always equal to x cube, यानी आपको बताने के बहुत काम की चीजें समझना कि जहां जहां f होगा उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू अगर f के अंदर x है तो मैं क्या बोलूंगा x cube। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यान दो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, लिमिट h ऑफ 0, यहां पे f नहीं है तो उसको मैं as it is लिख देता हूं h, ये साइन माइनस की है, यहां पे है fx, यहां पे भी ये fx, तो मैंने क्या लिख दिया x क्यूब। सर अब इसको कैसे लिखेंगे, तो कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं है, सिंपल सर, क्या सिंपल कि जब f के अंदर खाली x था तो यहां पे क्या हो गया x का क्यूब, तो हमारे पास क्या है f के अंदर क्या x नहीं है, x plus h है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे x plus h whole cube। समझ में आया हमारे पास यहां पे खाली x था तो मैंने लिखा x क्यूब, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है x plus h, तो मैंने x plus h लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x plus h whole cube, x plus h whole cube। अगेन कुछ समझ में नहीं आता, एज्यूम कर लिया t, लिमिट ऑफ h इज 0, 3 cube माइनस x cube डिवाइड बाय t माइनस x, तुम्हारा फॉर्म बन गया xn माइनस an डिवाइड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इनटू a n माइनस 1, फॉर्मूला में डाल दो n इज 3, x इज x, 3 माइनस 1 इज स्क्वायर, चार मात्रा सम में सम पावर, क्लियर? तो